अनूपपुर जिला मुख्यालय से पुष्पराजगढ़ को जोड़ने वाली मेन सड़क जिसे रीवा अमरकंटक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, इस मार्ग पर कीरर घाट पड़ता है जो 8 जुलाई 2021 को अत्यधिक बारिश होने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था। ऐसे में प्रशासन ने मरम्मत कार्य को पूरा करने के लिए इस रास्ते को बंद कर दिया था और 16 दिसंबर तक का समय मांगा था। अब प्रशासन ने अपने दावों पर खरा उतरते हुए 16 दिसंबर यानी आज से इस मार्ग को आम जनता के लिए एक बार फिर शुरू कर दिया है, जिसके चलते रहवासी हो या फिर राहगीर, सभी के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। बता दें, इस मार्ग के शुरू होने पर हमारे संवाददाता आशीष सेन ने घाट सहित पूरे मार्ग का जायजा लिया है और राहगीरों से बात भी की है। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं अनूपपुर। यहाँ हम अभी खड़े हुए हैं अनूपपुर जिले के तहसील पुष्पराजगढ़ में पड़ने वाले अमरकंटक रीवा अमरकंटक मुख्य मार्ग पर जो कीरर घाट पड़ता है वहाँ पास। आपको बता दें कि 8 जुलाई से कीरर घाट क्षतिग्रस्त भारी बारिश की वजह से हो चुका था। अभी शासन प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि आज दिनांक से आवागमन के लिए यह मार्ग चालू कर दिया जाएगा। जब से मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ था तब से आपको बता दें कि यह मार्ग प्रतिबंधित था। आइए, कुछ लोग आ रहे हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि जब से मार्ग चालू हुआ है, आज से मार्ग चालू हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, एक नंबर, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अभी इसके पहले आप लोग कहाँ से आना जाना? इसके पहले तो पूरा जटहरी होते एक नंबर बहुत दूर पड़ता रहा। बहुत अभी अच्छा महसूस कर, अभी तो एकदम दिल में खुशी आ गई। कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि? एक नंबर का व्यवस्था की है, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया। यहाँ से आवागमन चालू होने के बाद जो अभी बस चालू हो गई है, छोटी छोटी गाड़ियां निकल गई हैं। आइए ड्राइवर से बात करते हैं यहाँ पे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। उस्ताद, कैसा महसूस कर रहे हैं बिहार घाट से न जाकर अब कीरर घाट मार्ग चालू? अच्छी लग रहा है, अब बढ़िया सुविधा भी हो गया, किराया भी बच रहा है, डीजल भी कम लग रहा है, समय भी कम लग रहा है। और बिहार घाट होके जाने में क्या समस्याएं आती? बहुत टर्निंग था, बहुत सारी गाड़ी पलट गए, बहुत लोगों को क्षति हो गया, डर बना रहता था, डर बना रहता था। और ये कीरर घाट मार्ग चालू होने से बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, यहाँ पे बस चालक हैं जो बता रहे हैं कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो बिहार घाट होके ये जाते थे तो उसमें इनको बहुत समस्या लगता था, और समस्या होती थी और डर भी लगता था, लेकिन अब इस कीरर घाट के चालू होने से ये काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। यहाँ पास गाड़ियों का आवागमन चालू हो गया है। हम ये गाड़ी वालों से बात करते हैं कि इन्हें कैसा महसूस कर रहे हैं वैकल्पिक मार्ग चालू होने से। सर, क्या नाम है आपका? राम जी पांडे। महसूस कर रहे हैं कीरर घाट चालू? 9 महीने बाद खुला है तो खुश तो लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब आगे की स्थिति नीचे की क्या है, वो सड़क की, वो तो देखना पड़ेगा। अभी आप लोग जब जिला मुख्यालय या संभाग जाने जाया करते थे तो किधर से आना जाना? गौरेला पेंड्रा होके। काफी दिक्कत नहीं? वो ज्यादा सुटेबल था, ये ज्यादा कठिन है। हाँ, पहाड़ ज्यादा है, घाट ज्यादा, इसलिए अच्छा महसूस कर रहे हैं। जाना चाहेंगे जिला मुख्यालय? रोड जो है नीचे अगर डैमेज होगा तो उसको भी जल्दी से जल्द बनवा देते ज्यादा अच्छा रहता, अमरकंटक तक की जो स्थिति खराब है। खबर 100 के लिए आशीष सेन, पुष्पराजगढ़। गौरतलब है कि करीब 5 महीने से ज्यादा के समय के दौरान यह मार्ग पूरी तरह से बंद था, जिसके चलते आवाजाही में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। देखने में आया था कि ट्रांसपोर्ट यूनियन सहित सभी व्यापारियों ने चक्का जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया था और जल्द काम पूरा करने की मांग की थी। उसी का नतीजा है कि आज यह मार्ग आवाजाही के लिए एक बार फिर शुरू हो गया है। कलेक्टर सोनिया मीणा ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए लोगों के लिए यह रास्ता शुरू कर दिया है। अनूपपुर से संवाददाता आशीष सेन के साथ खबर 100।